फ्रेंड्स, एंथेलिया बॉम्ब स्क्वायर केस में एक बड़ी खबर आ रही है। तीन लोगों की आज कस्टडी खत्म हो रही थी और उसी के चलते अब कोर्ट से जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस मामले में सुनील माने की कस्टडी एनआईए को नहीं मिली है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, लेकिन वहीं संतोष सलार और आनंद यादव की कस्टडी मिल गई है और उसी के चलते ये खबर आ रही है। जुलाई 1 तक संतोष और आनंद को एनआईए कस्टडी में भेजा गया और जुलाई 2 तक सुनील माने को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। ये खबर आ रही है कोर्ट से, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस मामले में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एंथेलिया बॉम्ब स्क्वायर केस में प्रदीप शर्मा को अरेस्ट किया और उसके बाद से कार्रवाई का दौर शुरू है। एनजीओ में रेड की गई एनआईए द्वारा। माना जा रहा है कि मनसुख हिरेन डेथ केस में सतीश, मनीष, संतोष सलार और आनंद यादव ही वो लोग हैं जिन्होंने हत्या की है और उसी के चलते ये लोग भाग भी गए थे दिल्ली, लेकिन अब इस मामले में सोशल मीडिया के किसी एक व्यक्ति से टच में थे और कौन इनको फंडिंग कर रहा था वो भी एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो गया है। एनआईए इसी पर अब जांच करेगी और उसी के चलते एनआईए ने संतोष और आनंद यादव की कस्टडी ले ली है। ये बड़ी खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब एनआईए ने टवेरा सीज की थी उसी के चलते दोनों लोग महाराष्ट्र से भागकर दिल्ली गए। दिल्ली में ये लोग किस से टच में थे और कौन इनको फंडिंग कर रहा था ये अब एनआईए खंगालेगी। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस मामले में अब दो लोगों को जुलाई 1 तक के लिए एनआईए कस्टडी और सुनील माने जुलाई 2 तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस बीच ये माना जा रहा है कि कन्फ्रंट किया जाएगा प्रदीप शर्मा को आमने सामने बिठाकर। अब देखना होगा कि क्या रहेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही थी कि सचिन वाजे पर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो भी अपनी जांच शुरू कर चुकी है कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स के चलते ये जांच की जा रही है, जो खबर आ रही है। अब देखना होगा कि इन सारे मामलों में अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल कर आता है। एंथेलिया बॉम्ब स्क्वायर केस और मनसुख हिरेन डेथ केस में ये अभी की खबर है। कुछ और खबरों के साथ फिर जल्द जुड़ूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही।